नमस्कार, मेरा नाम सौरभ पांडे है और मैं नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी के PGDM प्रोग्राम का सेकेंड ईयर स्टूडेंट। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आपके जिंदगी से जुड़े हुए कुछ ऐसे पहलुओं के बारे में बताना चाहूँगा जिससे आप एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया के बारे में जान सके जिसको हम इंश्योरेंस के नाम से जानते हैं। आपने इसके बारे में शायद पहले कभी सुना होगा, बट मैं कोशिश करूंगा कि इस छोटे से वीडियो के माध्यम से जितना हो सके मैं आपको इसके बारे में बता सकूं। तो एक छोटा सा इसमें अपने आप को इस स्थिति में डालते हैं कि मैंने अपना कॉलेज खत्म किया, मैं किसी नौकरी में गया और मैंने अपनी नौकरी चालू कर दी। तो हमें सोचना पड़ेगा कि ऐसी परिस्थिति में जब हमारा करियर नया नया चालू हो रहा है तो हम किस तरह की दिक्कतों का सामना कर सकते हैं। तो पहली दिक्कत तो ये आ सकती है कि आपको भी पता होगा कि आज के बदलते जीवन के हिसाब से बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अगर वो छोटी मोटी बीमारी है जैसे आपका सर दुख रहा है या बहुत ही हल्की फुल्की कोई दिक्कतें आ रही हैं तो हमारे घर में हम खुद जो भी रेमेडी करते हैं वो बहुत ही आसानी से उसका ध्यान रख लेती है। पर अपने आप को उस परिस्थिति में समझिए कि अगर मुझे भगवान ना चाहे मलेरिया या कोई और ऐसी बीमारी हो जाती है जिसके वजह से मुझे अस्पताल में एडमिट होना पड़ता है, उस परिस्थिति में आज की महंगाई को देखते हुए अगर आप अस्पताल में 3 से 4 दिन तक भी अगर आप एडमिट हो रहे हैं तो आपका जो बिल बनता है वो 40-50 हज़ार रुपये तक का बनता है। और जब आपने अपनी करियर की तुरंत अभी शुरुआत ही की हुई है तो आप नहीं चाहेंगे कि ऐसा बड़ा अमाउंट आपको देना पड़े जिसकी वजह से आपकी स्थिति थोड़ी स्टेबल ना रह जाए। तो हमें सोचना पड़ेगा कि ऐसी परिस्थिति में क्या हमारी मदद कर सकता है। तो एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, अगर आप 3 लाख के आसपास तक कभी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान मार्केट में लेने जाते हैं तो वो 10 हज़ार से कम के बजट में आपको मिल जाएगा। तो महीने 500-800 रुपए अगर आप देते हैं तो आप ये निश्चिंत हो सकते हैं कि आपको अगर किसी भी तरह की बीमारियों का सामना करना पड़े तो आपका काफी हद तक ध्यान रखा जाएगा एक हेल्थ इंश्योरेंस के माध्यम से। दूसरी परिस्थिति ये हो सकती है कि मैं अपनी गाड़ी से ऑफिस जा रहा हूँ और अगर किसी भी अजीब स्थिति में अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाता है तो 3 तरह की दिक्कतें आ सकती हैं कि मेरी गाड़ी का नुकसान हो जाए, मुझे किसी तरह की चोटें आ जाए या मैं जिसको अगर मेरा एक्सीडेंट किसी तीसरे इंसान से हुआ है तो उसकी गाड़ी या उसको कोई दिक्कत आ जाए। तो ऐसी परिस्थिति में एक कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस प्लान आपका बहुत अच्छे से ख्याल रख सकता है। अगर आपने ऑलरेडी एक इंश्योरेंस प्लान खरीद के रखा है तो ज़्यादातर इसके चांसेस हैं कि जो आपने इंश्योरेंस प्लान ले रखा है वो एक इंश्योरेंस प्लान सिर्फ और सिर्फ पूरी तरीके से इस बात का ध्यान नहीं रख पाएगा तो आपको जाके वापस देखना पड़ेगा। तीसरे तरह का रिस्क मेरे जीवन में आ सकता है कि अगर मुझे भगवान ना चाहे कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं इस दुनिया में ना रहूं तो मेरे ऊपर जितने भी लोग निर्भर हैं इस परिस्थिति में उन्हें बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। ऐसे समय में एक टर्म इंश्योरेंस प्लान जिसे हम लाइफ इंश्योरेंस के नाम से भी जानते हैं वो आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। एक 50 लाख से 1 करोड़ तक का टर्म इंश्योरेंस प्लान 15 हज़ार से भी कम के बजट में आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो आपको जाके इसके बारे में देखना है। उसके अलावा अगर आपकी शादी होती है, बच्चे होते हैं तो चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान आते हैं जो कि आपको बच्चों के फ्यूचर में पढ़ाई का ध्यान रख सके। आप 30-40 साल सर्विस करने के बाद अगर आप रिटायर हो रहे हैं और आपकी पगार रुक जाती है उसके बाद पर आपके खर्चे नहीं रुकते हैं तो एन्यूटीज और पेंशन इस बात का ध्यान रखते हैं। तो ये 6 से 7 चीज, और अगर आप अपने चाहते हैं आपका घर भी पूरी तरीके से सिक्योर रहे तो घर का भी आप अपना इंश्योरेंस करा सकते हैं। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद ये 6-7 चीजें जिनके बारे में मैंने बात किया है, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, टर्म इंश्योरेंस प्लान, लाइफ इंश्योरेंस प्लान, कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस प्लान, घर का इंश्योरेंस, ये सारे इंश्योरेंस के बारे में आप जाएंगे, देखेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि आप और आपके अपने पूरी तरीके से सिक्योर रहें। धन्यवाद।